हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नए मैच के लिए। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के होने वाले मैच की, जो कि होगा आज दोपहर को 1:30 बजे। तो आपको बता दे, जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ही टीम्स बहुत अच्छा खेलती है और दोनों के प्लेयर्स भी एकदम जबरदस्त ही हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दोनों ही टीम्स का कंपैरिजन, कि इंग्लैंड की टीम्स के पिछले मैचेस कैसे गए हैं और साथ ही साथ न्यूजीलैंड के पिछले मैचेस कैसे गए हैं। और ये भी हम कंपेयर करेंगे कि दोनों टीम्स के जो मैचेस थे लास्ट, वो आमने सामने कब खेले गए थे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे जिस ग्राउंड पर ये खेले जाने वाला है उसकी पिच रिपोर्ट, कि वो जो पिच है बैटर्स को ज्यादा सपोर्ट करती है या फिर बॉलर्स को। और साथ ही साथ आपको हम बता दे, अगर आपको लगता है कि आप प्रिडिक्ट अच्छा करते हैं, आपका लक आपका साथ देता है, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जहाँ पर प्रिडिक्शन करने पर आपको मिल रहा है प्राइज मनी, वो आप जीत सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जीत चुके हैं, और अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप भी उस चैनल पर जाएं और लाइव मैच देखें, अपने प्रिडिक्शन दीजिए और जीतिए वहां पर प्राइज मनी। और साथ ही साथ अगर आपको एक्यूरेट प्लेइंग 11 चाहिए और आपको देखना है कि और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने प्रिडिक्शन करके प्राइज मनी जीता है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी स्क्वाड दोनों ही टीम्स की। यहाँ पर है इंग्लैंड और यहाँ पर है न्यूजीलैंड। शुरू करते हैं इंग्लैंड के प्लेइंग 16 से। तो यहाँ पर है सबसे पहले जे बटलर, जो कि कैप्टन है टीम के और विकेट कीपर भी। उसके बाद है एच ब्रुक, जॉर्डन मलान, सॉल्ट टोपले इंजर्ड हो गए हैं तो वो नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद है वुकेस, हेल्स और मोह अली। उसके बाद है सैम कुरैन। उसके बाद है लियाम लिविंगस्टोन, ए राशिद, बेन स्टॉक्स, डेविली, एम वुड और टी मिलिस। तो ये हो गए हमारे प्लेइंग 16 इंग्लैंड की टीम के, जिसमें से हमारे एक प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं टोपले। अब चलते हैं हमारी न्यूजीलैंड की टीम के प्लेयर्स की तरफ। तो यहाँ पर है टी बोल्ट, उसके बाद है एफ एलन, और फिर है हमारे चैंपमैन फर्गुसन, लॉकी फर्गुसन। उसके बाद है मिचेल, नीशम, स्नेंटर, टिम साउथी, केन विलियमसन जो कैप्टन है। उसके बाद है एम ब्रेसवेल, डी कॉनवे, एम गुडपिल, ए मिलने और जी फिलिप्स। उसके बाद है इश सोधी। तो ये हमारे न्यूजीलैंड के भी प्लेइंग 15 हो गए हैं। और अगर आपको प्लेइंग 11 जानने हैं एकदम एक्यूरेट, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, और वहां पर आपको टॉस अपडेट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी क्रिकेट से रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा हमने दिया हुआ है, टीम के लास्ट 5 मैचेस इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों के ही। तो बात करते हैं इन दोनों ही टीम्स के लास्ट 5 मैचेस में दोनों का परफॉर्मेंस क्या रहा था। तो जैसा आप देख सकते हैं, इंग्लैंड 5 में से सिर्फ एक ही मैच हारी है और 4 जीती है, जो दर्शाता है कि इंग्लैंड एक अच्छी टीम है और अच्छी फॉर्म में चलती आ रही है। न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 3 मैचेस जीते हैं और 2 मैच हारे हैं, जबकि इंग्लैंड ने सिर्फ एक ही मैच हारा है। और बात करें अगर हम मैच की, तो हम वो आप सबको पता ही है कि ये थर्ड T20 मैच है, 33 नंबर का T20 वर्ल्ड कप मैच है, जो कि आज 1 नवंबर को 1:30 बजे शुरू होने वाला है। द गाबा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया पर ये मैच खेला जा रहा है। अब बात करें अगर हम हेड टू हेड की, दोनों ही टीम्स की लास्ट 10 मैचेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड ने यहाँ पर 6 मैचेस जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 4 जीते हैं। तो अब तक तो इंग्लैंड ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है। और अगर बात करें वेदर की, तो आप सबको पता ही है कि वर्ल्ड कप में ऑलरेडी बहुत सारे मैचेस अबेंडेंट हो गए हैं बारिश की वजह से, लेकिन इस मैच में बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि सिर्फ 16% चांसेस ही हैं बारिश होने के, ज्यादा चांसेस नहीं है। तो ये मैच अबेंडेंट होने का कोई भी चांस नहीं है। तो ये हो गया हमारा वेदर, हमने हेड टू हेड भी जान लिया है और दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस भी जान ली है लास्ट के 5 मैचेस में। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने दिया है आपके लिए टीम का कंपैरिजन दोनों ही टीम्स का, और साथ ही साथ दोनों ही टीम्स के जो लास्ट मैचेस हुए हैं 3, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, और आगे हम डिटेल में भी इन मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम कंपैरिजन की।
ये है हमारी इंग्लैंड और ये है न्यूजीलैंड। 10 मैचेस की हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर इंग्लैंड के 70% चांसेस हैं मैच मैच को जीतने के, वहीं न्यूजीलैंड के 10% कम है, 60%। एवरेज स्कोर इंग्लैंड का 166 है और न्यूजीलैंड का 161 है। हाईएस्ट स्कोर है इंग्लैंड का 221 और न्यूजीलैंड का है 215। लोवेस्ट है इंग्लैंड का 105 और न्यूजीलैंड का है 98। तो यहाँ से आपको देख के पता ही चल रहा है न्यूजीलैंड बहुत सारी चीजों में इंग्लैंड की टीम से कम है, तो फिर हो सकता है इस मैच को इंग्लैंड की टीम ही जीते। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे हमने जैसे कि आपको बताया कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों टीम्स के बीच हुए जो मैच हैं लास्ट के कुछ उनके बारे में। तो यहाँ हमने 3 मैचेस की बात करी है, तो 3 मैचेस में आप देख सकते हैं एक जीता है न्यूजीलैंड ने और 2 हमारे मैचेस जीत चुकी है इंग्लैंड की टीम। पिछले 3 मैचेस की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए इन मैचेस की डिटेल में इंफॉर्मेशन जानते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी टीम के प्लेयर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं पिछले मैचेस में और कौन सी टीम ने कितने रन्स बनाए हैं। तो ये आ गए हैं हम फर्स्ट सेमीफिनाले का जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप का 2021 में। ये टीम्स आमने सामने तब आई थी 2021 में और अब आएंगी ये दोनों टीम्स आमने सामने। तो बात करते हैं इस मैच की, तो यहाँ पर हमारी न्यूजीलैंड जीती थी 5 विकेट से और इंग्लैंड ने बनाए थे 164 रन्स 4 विकेट्स के नुकसान पे और न्यूजीलैंड ने 167 रन्स 5 विकेट्स के नुकसान पे। अब बात करें अगर हम फर्स्ट इनिंग्स की जो कि इंग्लैंड ने खेली थी, तो यहाँ पर मोइन अली ने अच्छा परफॉर्म किया था, बनाए थे इन्होंने 37 बॉल्स में 51 रन्स, बहुत अच्छा खेले थे ये। उसके बाद डेविड मलान थे, 30 बॉल्स में 41 रन्स बनाए थे इन्होंने। उसके बाद जिम्मी निशाम जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर है, उन्होंने दिए थे 18 रन्स और 1 विकेट ली थी उन्होंने। और टिम साउथी जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर हैं उनकी अगर बात करें, 1 विकेट लेके 24 रन्स दिए थे। अब अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की कि इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, तो वो थे ड्रेल मिचेल जिन्होंने 47 बॉल्स में बनाए थे 72 रन्स। अब चलते हैं हम न्यूजीलैंड की इनिंग्स की तरफ, तो न्यूजीलैंड की ये रही हमारी इनिंग्स। इनकी अगर बात करें जो हमारे प्लेयर ऑफ द मैच थे वो न्यूजीलैंड के प्लेयर थे जिन्होंने बनाए थे 47 बॉल्स में 72 रन्स। उसके बाद है कॉनवे, 38 बॉल्स में बनाए थे इन्होंने 46 रन्स। अब अगर बात करें जो जिन बॉलर्स ने न्यूजीलैंड के वो बॉलिंग कराई थी, लियाम लिविंगस्टोन से 2 विकेट्स ली थी इन्होंने और सिर्फ 22 रन दिए थे। उसके बाद है क्रिस जिन्होंने 2 विकेट्स ली और 36 रन दिए। तो ये हो गई हमारी एक मैच की इंफॉर्मेशन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, जिसको न्यूजीलैंड की टीम ने जीता था। अब आगे बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ और इस मैच को जीता था इंग्लैंड की टीम ने। अब अगर हम बात करें इस मैच के बारे में, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड ने 146 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे और इंग्लैंड ने बनाए 146 रन 7 विकेट्स के नुकसान पे। सॉरी। अब अगर हम प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें इस मैच में, तो वो थे जॉनी बेयरस्टो, 18 बॉलों में 47 रन बनाए थे। अब चलते हैं फर्स्ट इनिंग की तरफ। न्यूजीलैंड ने खेली थी फर्स्ट इनिंग, तो यहाँ पर 146 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे। मार्टिन गुडविल ने अच्छा खेला था, 20 बॉलों में 50 रन बनाए थे, हाफ सेंचुरी बना दी थी। उसके बाद है कॉलिन, इन्होंने बनाए थे 21 बॉल्स में 46 रन। अब अगर बात करें इंग्लैंड के बॉलर्स की जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, वो थे साकिब महमूद, 1 विकेट ली थी और सिर्फ 20 रन दिए थे। उसके बाद है टॉम कुरैन, 30 इन्होंने रन दिए थे और 1 विकेट ली थी। तो ये हो गई न्यूजीलैंड की इनिंग्स। अब बात करते हैं इंग्लैंड की हम इनिंग्स के बारे में, तो जॉनी बेयरस्टो जो कि थे प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच के, 18 बॉलों में 47 रन बना लिए थे। सैम कुरैन किए थे अगले प्लेयर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, 11 बॉलों में बनाए थे 24 रन। अब बात करें अगर हम न्यूजीलैंड के बॉलर्स की, तो मिचेल थे जिन्होंने 2 विकेट्स ली और 20 रन दिए थे। उसके बाद जिमी निशाम थे, 2 विकेट्स ली इन्होंने और 25 रन दिए। तो ये हो गया हमारा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ दूसरा मैच जिसको जीता था इंग्लैंड की टीम ने। ये हो गया हमारा दूसरा मैच। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास आ गए हैं
इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के टॉप पिक्स। तो फिर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर इन सभी की। ये जितने भी प्लेयर्स हैं दोनों ही टीम से लिए गए हैं और ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में ले सकते हो, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको मैच जितवाने में, क्योंकि इनका हम रिसेंट परफॉर्मेंस भी बताएंगे कि कौन से प्लेयर्स फॉर्म में हैं और कौन से प्लेयर फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम विकेट कीपर से। तो यहाँ पर इंग्लैंड से हैं फिलिप सॉल्ट, जो कि विकेट कीपर है। अब बात करें इनकी रीसेंट फॉर्म की, तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में इन्होंने 3 बॉलों में सिर्फ एक ही रन बनाया है और 12 बॉलों में 20 रन बनाए। 41 बॉल्स में इन्होंने 88 रन बनाए। ये तीनों ही मैचेस इनके पाकिस्तान के खिलाफ थे। तो आप देख सकते हैं जो इनका मैच था एक जिसमें इन्होंने 41 बॉल्स पे 88 रन बनाए हैं, वो अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन जो दो परफॉर्मेंसेस थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। दूसरे न्यूजीलैंड के विकेट कीपर हैं डेवन कॉनवे, जिनकी अगर हम बात करें रिसेंट परफॉर्मेंस की, श्रीलंका के खिलाफ 4 बॉल में सिर्फ एक ही रन बनाया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 58 बॉल्स में बना दिए थे 92 रन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर्स है। उससे पहले इन्होंने 17 बॉलों में 14 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। ये हो गए हमारे विकेट कीपर के टॉप पिक्स। अब चलते हैं हमारे बैटर्स के टॉप पिक्स की तरफ। यहाँ पर है हमारे पास न्यूजीलैंड के गैलन फिलिप्स, जिनकी अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो श्रीलंका के खिलाफ 64 बॉल्स में सिर्फ 64 बॉल्स में 104 इन्होंने रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 बॉलों में 12 रन और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 18 बॉलों में 20 रन बनाए। दूसरे हैं ड्रेल मिचेल, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 24 बॉलों में 22 रन बनाए और 16 बॉलों में 14 रन बनाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और उससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही 20 बॉल्स में 48 रन बनाए थे। अब आ गए हमारे दूसरे इंग्लैंड के प्लेयर, जो कि हैं डेविड मलान, जो कि बैट्समैन है। इनको आप अपनी फैंटेसी टीम में ले सकते हो इंग्लैंड की टीम में। अब बात करें इनके रिसेंट परफॉर्मेंस की, 37 बॉल्स में 35 रन बना चुके हैं आयरलैंड के खिलाफ जब मैच था, और उससे पहले इन्होंने 30 बॉलों में 18 रन बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, और उससे पहले बनाए थे 19 बॉलों में 23 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये हो गए हमारे बैट्समैन दोनों ही टीम्स के। अब आ गए हैं हम हमारे ऑलराउंडर्स की तरफ। तो बात करते हैं हमारे ऑलराउंडर्स की, तो यहाँ पर दिए हुए हैं सबसे पहले हमारे इंग्लैंड के सैम कुरैन, इनकी यहाँ पर हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में इन्होंने 14 रन दिए, 1 विकेट ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 रन दिए और 3 विकेट ली। एक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, उसमें 35 रन में इन्होंने 2 विकेट ली। तो आप देख सकते हो कि सैम कुरैन पूरी फॉर्म में है और जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरे हैं बेन स्टॉक, इनकी अगर हम बैटिंग की बात करें सॉरी इनकी अगर हम बैटिंग की बात करें तो आयरलैंड के खिलाफ के मैच में इन्होंने 8 बॉलों में 6 रन बनाए और अफगानिस्तान के खिलाफ 4 बॉलों में 2 रन और पाकिस्तान के खिलाफ 18 बॉलों में 36 रन। तो लास्ट के पिछले जो 2 मैचेस में है ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए हैं ये। मे भी हो सकता है इस बार ये ज़्यादा अच्छा खेल पाए। हम होप करेंगे कि ये अच्छे अच्छे स्कोर्स बना पाए इस मैच में भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ऑलराउंड में है ब्रिसवेल, इनकी हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 9 रन दिए और 1 भी विकेट नहीं ली। पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट ली, 14 रन दिए। बांग्लादेश के खिलाफ 39 रन दिए और 2 विकेट्स ली थी। तो ये हमारे ऑलराउंडर भी हो गए हैं टॉप पिक्स हमारे। अब चलते हैं हमारे बॉलर्स की तरफ। तो बॉलर्स की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड से दिए हुए हैं ट्रेंट बोल्ट। अगर हम इनके रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अच्छा इनका बहुत रीसेंट परफॉर्मेंस है। श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 4 विकेट ली और 13 रन दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 रन दिए, 2 विकेट ली। और पाकिस्तान के खिलाफ 28 रन दिए लेकिन विकेट नहीं ले पाए थे कोई। उसके बाद है मिल्स, इंग्लैंड के प्लेयर है। इन्होंने इंडिया के खिलाफ जब मैच था 1 विकेट ली, 35 रन दिए और उसके बाद 2 विकेट ली, 22 रन दिए। और उसके पहले इन्होंने 30 रन दिए थे और 3 विकेट ली थी।
अब आ गए हैं टिम साउथ ही, न्यूजीलैंड के प्लेयर है ये। इनकी बॉलिंग की अगर हम बात करें, श्रीलंका के खिलाफ मैच था जो इनका, उसमें इन्होंने एक विकेट ली और 12 रन्स दिए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 6 रन दिए सिर्फ और 3 विकेट्स भी ली, और पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें 33 रन दिए और 1 विकेट ली। तो देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं टिम साउथी। अब चलते हैं एक और जो हमारे बॉलर है उनकी तरफ, मार्क वुड। तो इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने 3 विकेट्स ली और 34 रन्स दिए, अफगानिस्तान के खिलाफ 2 विकेट्स दी हैं और 23 रन दी, 2 विकेट्स ली और 23 रन दिए। पाकिस्तान के खिलाफ विकेट नहीं ले पाए लेकिन इन्होंने सिर्फ 25 रन दिए थे। तो गाइज यहाँ पे आपने देख लिया है हमारे बैटर्स, बॉलर्स और राउंडर और साथ ही साथ विकेट कीपर, जो हमारे टॉप पिक्स हैं, इनको आप अपनी फैंटेसी टीम में ले सकते हैं। अब तो गाइज आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास दिए हुए हैं ऐसे प्लेयर्स जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी फैंटेसी टीम में, और हम आपको बताने वाले हैं इनको, इनकी अलग अलग कैटेगरी के प्लेयर्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फैंटेसी पॉइंट्स और मोस्ट रन्स जिन्होंने बनाए हैं जिन प्लेयर्स ने, उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैंटेसी पॉइंट्स के प्लेयर्स की, जिनको जो कि हाईएस्ट प्लेयर्स है, जिनके हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट्स है। सॉरी, नंबर 1 पर है यहाँ पर सैम कुरैन, इंग्लैंड के प्लेयर, 235 पॉइंट्स हैं 2 इनिंग्स में। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट है, 206 पॉइंट्स 2 इनिंग्स। गैलन फिलिप्स, 172 पॉइंट्स 2 इनिंग्स। उसके बाद है कॉनवे, 160 पॉइंट्स 2 इनिंग्स। उसके बाद है टिम साउथी, 157 पॉइंट्स 2 इनिंग्स। तो ये हो गए हमारे फैंटेसी पॉइंट्स के प्लेयर जो कि टॉप के हैं। अब चलते हैं मोस्ट रन्स की तरफ, कि ऐसे कौन से प्लेयर हैं दोनों ही टीम्स में जिन्होंने मोस्ट रन्स बनाए हैं। तो न्यूजीलैंड के बैटर हैं यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे पास, 116 रन्स हैं 2 इनिंग्स में। कॉनवे हैं 93 रन्स 2 इनिंग्स में। डेविड मलान है 53 रन्स 2 इनिंग्स में। फिन एलन है 43 रन्स 2 इनिंग्स में। और मोइन अली है 32 रन्स 2 इनिंग्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने फैंटेसी पॉइंट्स प्लेयर टॉप 5 और मोस्ट रन्स जिन प्लेयर्स ने बनाए हैं टॉप 5 वो आपको बता दिए हैं। तो अब आपको देखना है कि आपको अपनी प्लेइंग 11 में इनमें से कौन से प्लेयर्स चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे हम आपको और भी ऐसे प्लेयर्स बताने वाले हैं जो कि जबरदस्त खेलते हैं। सॉरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास आ गई है कैटेगरी मोस्ट विकेट्स और मोस्ट सिक्सेस की, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त कैटेगरी है और इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके प्लेयर्स सिलेक्ट करने में। तो नंबर 1 पर सैम कुरैन है, 7 विकेट्स 2 इनिंग्स में। ट्रेंट बोल्ट, 6 विकेट्स 2 इनिंग्स में। सेंटर, 5 विकेट 2 इनिंग्स में। मार्क वुड, 5 विकेट्स 2 इनिंग्स में। टिम साउथी, 4 विकेट्स 2 इनिंग्स में। मोस्ट विकेट्स वाले प्लेयर हैं तो बेस्ट बॉलर्स भी मान सकते हैं आप इन 5ों प्लेयर्स को। आप देख सकते हैं 3 बॉलर्स इसमें से हैं न्यूजीलैंड के और 2 हैं इंग्लैंड के। अब चलते हैं हम मोस्ट सिक्सेस की तरफ, कि कौन से प्लेयर्स ने सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारे हैं। अब आ गए हैं फिलिप्स, इन्होंने 4 सिक्सेस मारे हैं 2 इनिंग्स में। फिन एलन, 3 सिक्सेस मारे हैं 2 इनिंग्स में। कॉनवे, 2 सिक्सेस मारे हैं 2 इनिंग्स में। जिमी नीशाम, 2 सिक्सेस मारे हैं 2 इनिंग्स में। और स्टेंटर ने मारे हैं 1 सिक्स 1 इनिंग में। तो आप देख सकते हैं हमारे हो गए हैं मोस्ट विकेट्स और मोस्ट सिक्सेस वाले प्लेयर जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं और सबसे ज़्यादा मारे हैं छक्के। तो आप ले सकते हैं इनको भी अपनी टीम में। आगे हम अब तक चलते हैं अपने वीडियो में, और आगे हमारे पास कैटेगरी है हाईएस्ट स्कोर और बेस्ट फिगर्स की। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया है। तो नंबर 1 पर है हमारे पास फिलिप्स, इन्होंने बनाए हैं 104 रन्स 2 इनिंग में। कॉनवे ने 92 रन्स 2 इनिंग्स में। फिन एलन ने बनाए हैं 42 रन्स 2 इनिंग्स में। उसके बाद डेविड मलान, 35 रन्स 2 इनिंग्स में। लियाम लिविंगस्टोन, 29 रन्स 2 इनिंग्स में। तो ये हैं हमारे हाईएस्ट स्कोर वाले प्लेयर, ऐसे प्लेयर जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाए हैं।
इनिंग्स के हिसाब से हमने आपको बताया है कि 2 इनिंग में बनाए हैं इन सबने ये सब हाईएस्ट स्कोर्स। अब आ गए हैं हमारे पास बेस्ट फिगर्स। तो बेस्ट फिगर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 पर है हमारे पास ट्रेंट बोल्ट, 13 रन दिए इन्होंने, 4 विकेट ली 2 इनिंग्स में। टिम साउथ ही 6 रन 3 विकेट 2 इनिंग। मिचेल स्टैंटर 31 रन 3 विकेट्स 2 इनिंग। उसके बाद स्नैंटर फिर से आ गए हैं, 21 रन 2 विकेट्स 2 इनिंग्स। इश सोधी है फिर 21 रन 2 विकेट्स 2 इनिंग। तो जैसा कि आपने देख लिया, हमने आपको बता दिया है हाईएस्ट स्कोर जो कि बैटिंग जबरदस्त कर रहे हैं, और बेस्ट फिगर्स जो कि बॉलिंग में जिन्होंने अब तक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है अपना। आगे हमारे पास आ गए हैं बेस्ट स्ट्राइक रेट और बेस्ट इकोनॉमी वाले प्लेयर्स। तो चलिए इनके बारे में भी जानते हैं कौन से हैं ये प्लेयर्स। बेस्ट स्ट्राइक रेट में है सबसे ऊपर मार्कस स्टोनिस 206.25, उसके बाद है कैंपर 172.46, गैलन मैक्सवेल 159.38, टिम डेविड 137.50, पॉल स्टर्लिंग 131.18। बेस्ट स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स हैं, तो आप देख सकते हो जबरदस्त प्लेयर्स हैं। ऑलराउंडर बैटर्स की बात हुई है, अब चलते हैं बेस्ट इकोनॉमी की तरफ। गैलन मैक्सवेल है 5.00, एस्टन एगर है 6.25, जॉर्ज टॉकरेल है 7.00, मार्क अडायर 7.13, मिचेल स्टार्क 7.38। तो ये हो गए हैं हमारे बेस्ट स्ट्राइक रेट और बेस्ट इकोनॉमी वाले प्लेयर्स। इनको आप देख सकते हो कि ध्यान से कि इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है ऑलरेडी, और में और आगे भी ये देंगे ही परफॉर्मेंस। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ये देखिए। तो ये आ गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जो जिसको जिसके बारे में सुनने में आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है, और ये आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प भी करने वाला है, क्योंकि ये आ गया हमारा ग्राउंड का पिच रिपोर्ट। कि हम आपको बताएंगे कि ये पिच जो है बैटर्स को सपोर्ट करती है या फिर बॉलर्स को। तो जैसा कि आप देख सकते हो, विन बैट फर्स्ट 67%, विन बॉलिंग फर्स्ट 33%। तो इस ग्राउंड पर जो भी टॉस जीतने वाला है वो फर्स्ट बैटिंग ही चूज करने वाला है, 67% है उसके मैच जीतने के, जी हाँ, और बॉलिंग फर्स्ट करने के सिर्फ और सिर्फ 33%। और आपको बता दें, हमने यही चीज़ बताई थी इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच में भी, हमने बताया था कि जो भी टीम वहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट करेगी वो मैच जीतेगी, और साउथ अफ्रीका वो मैच जीती। तो गाइस, ये हो गया हमारा पिच रिपोर्ट का टॉस फैक्टर जो हमने आपको बताया इस पिच से रिगार्डिंग। अब चलते हैं फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर की एवरेज की, 168 है एवरेज, सेकंड इनिंग स्कोर 145 है, हाईएस्ट यहाँ पे 209 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 विकेट्स पे, लोवेस्ट 114 है ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाए हैं ये भी, हाईएस्ट 169 है 7 विकेट्स पे इंडिया ने करे हैं, लोएस्ट डिफेंडेड वेस्ट इंडीज 191 रन 6 विकेट्स पे। तो ये हो गई हमारी ग्राउंड की जो है पिच रिपोर्ट, और हमने थोड़ी सी प्रिडिक्शन की है, एवरेज आपको बताया है, हाईएस्ट बताया है, लोएस्ट बताया है, और ये भी बता दिया है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग फर्स्ट ही चूज करेगी। आगे चलते हैं हम टीम एनालिसिस पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ग्रीन मीन्स स्ट्रॉन्ग, ब्राउन मीन्स एवरेज, और रेड मतलब है वीक। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों ही टीम्स का। टीम ओपनिंग की अगर हम बात करें, ओपनिंग में न्यूजीलैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो है इंग्लैंड वो थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड के ओपनिंग से। मिडल ऑर्डर की बात करें तो मिडल ऑर्डर में दोनों ही टीम्स इक्वली स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग डेप्थ में न्यूजीलैंड कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा एवरेज है, और इंग्लैंड एकदम स्ट्रॉन्ग है। पेस बॉलिंग की बात करें, इंग्लैंड की बहुत ही ज़बरदस्त पेस बॉलिंग है, एकदम स्ट्रॉन्ग, और न्यूजीलैंड की है एवरेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनको नुकसान देने वाली है। वो आपको बताऊंगी मैं आगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। स्पिन बॉलिंग की बात करें तो स्पिन बॉलिंग न्यूजीलैंड की अच्छी है, जबकि इंग्लैंड की वीक है, बहुत ज़्यादा वीक, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 रेड दिए हुए हैं और यहाँ पर ग्रीन है। तो न्यूजीलैंड की तो स्पिन बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंग्लैंड की वीक है। और अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने दिया हुआ है
पेस और स्पिन का हमने जो है लास्ट 10 मैचेस का बताया है आपको टोटल की क्या हुआ है। पेस बॉलर्स ने लिए हैं 74 विकेट्स और स्पिन बॉलर्स ने 39 विकेट्स। तो आप इससे समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है पेस बॉलर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ज्यादा विकेट ले पाते हैं एज कम्पेयर टू स्पिन बॉलर्स। और वहीं अगर हम यहाँ देखें पेस बॉलिंग न्यूजीलैंड की एकदम एवरेज है और इंग्लैंड की एकदम स्ट्रॉन्ग है, जो कि इंग्लैंड को इस ग्राउंड पर बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाली है, क्योंकि पेस बॉलर्स ज्यादा विकेट्स ले पाते हैं एज कम्पेयर टू स्पिन बॉलर्स। और न्यूजीलैंड का स्पिन बॉलर्स तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन पेस बॉलर्स एवरेज है। तो ये हो गया हमारा, आपको बता दिया हमने कि इस पिच पर कौन से जो है बॉलर्स वो चल पाते हैं। अब बात करें अगर हम पॉइंट्स टेबल की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड का करंट जो नेट रन रेट है वो +3.850 है, जबकि इंग्लैंड का है +0.239। तो इंग्लैंड का जो है नेट रन रेट बहुत ही कम है इस टाइम पर। पॉइंट्स भी हैं जो न्यूजीलैंड के ज्यादा हैं 5 और इंग्लैंड के 3 है। इंग्लैंड बेशक एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, जबरदस्त परफॉर्म करती है, प्लेयर्स भी बहुत बढ़िया है, लेकिन न्यूजीलैंड इस टाइम पर पॉइंट्स टेबल में आगे चल रही है इंग्लैंड से। और अगर न्यूजीलैंड इस मैच को जीत जाती है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच को जो कि आज होने वाला है 1:30 बजे, तो वो और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी इस पॉइंट्स टेबल में। तो गाइज ये हमने आपके साथ शेयर किया है टीम का कंपैरिजन। और मैं आपको फिर से बता दूं हमारा एक चैनल है कैश कर ले, जहां पर सिर्फ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप अपने प्रिडिक्शंस दे के इन किस इनिंग में कितने रन बनने वाले हैं इसका आप जीत सकते हैं कैश प्राइज। और साथ ही साथ आपको अगर देखना है कि कौन कौन से विनर पहले रह चुके हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको पता चलेगा कि पहले ऑलरेडी कितने सारे लोग हैं जो प्राइज मनी को जीत चुके हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना।